साधना जो दे रहा हूं वो साधक जो साधना करें उनको तो फल मिल ही जाएगा, लेकिन यह यंत्र और माला जो मैंने सिद्ध की है नवरात्रि में, इसके ऊपर भी अनुष्ठान किया हुआ है, जो अपने घर में किसी प्रकार का वास्तुदोष या अड़चन अनुभव करते हैं और जो साधना नहीं कर सकते, केवल वो लोग अपने यंत्र को इस विजय नाम संवत्सर के पूर्ति तक यंत्र को भी घर में पूजा स्नान में रखते हैं तो वे उसका फल जरूर अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सुगंधित फूल घर में हो तो वो तो अपना अपनी सुगंध को घर में फैलाएगा। उसी तरह विजय योग का यंत्र है, अब चाहे साधना करो या ना करो, यंत्र केवल घर में रखने पर भी, उसके ऊपर केवल लाल पुष्प चढ़ाने पर भी आप वही फल अनुभव करेंगे, लेकिन जो साधना करते हैं वो अपनी दिव्यता को प्राप्त करेंगे। और संवत्सर में विजय दुर्गा साधना उनके जीवन में हर प्रकार की विजय प्रदान करेंगे। अभी साधना को किस तरह करना है और क्या करना है समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले सभी लोग मेरे साथ पहले गुरु मंत्र जप की दीक्षा एक बार पुनः ले लें, फिर हम रिन्यूअल करेंगे, फिर एक बार अपने माइक चले हुए वायर के ऊपर कार्टन चढ़ा हुआ है उसको निकाल लेंगे, क्लीन कर लेंगे ताकि हम आगे डिस्कस करें। पहले गुरु मंत्र आपको दूंगा, उसके बाद विजय दुर्गा साधना की साधना का विधान समझाऊंगा। जो लोग नए हैं पुराने हैं वो सब लोग भी साधना गुरु मंत्र को ले लें, वो इसलिए लें कि हमारे ऊपर हम कभी साधना प्रे करते हैं या साधना पर बैठ चढ़ जाता है, हम नहीं करने पर भी कारगर जरूर चढ़ता है, उसको हटा लें, उसको क्लीन कर लें और एक बार फिर गुरु मंत्र जब आप मेरे साथ उच्चारण करें मेरे साथ लें और उसके बाद विजय दुर्गा साधना संपन्न करें। पहले मैं जैसा कहता हूँ वैसे कहें, स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपको बायां हाथ हृदय पर रख लो और राइट हैंड सर पर रख लो, सीधा हाथ सर पर रख लो और बायां हाथ हृदय पर रखो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रे ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जो आपके पास माला और यंत्र दिया गया है आपको आपकी ही प्राण की प्रतिष्ठा उस यंत्र में की जा रही है। अभी एक महाशय ने मुझे पूछा था कि क्या यंत्र और अनुष्ठान मंत्र इसका मंत्र किसी भी पशु पुराण प्रकार उच्चारण करने से हो सकता है। मैंने छोटा सा उदाहरण पहले दे ही दिया था कि आपका नाम राम हो तो मैं राम कह के पुकारूं तो आप मुझे बुलाते हैं, लेकिन राम आने के लिए अगर मैं मरा कहता हूँ जो भी राम आता है ये बात अलग है, लेकिन कृष्ण को कहते हैं नाक्षण कहते कृष्ण नहीं आता या बड़े मंत्र को ऐसा नहीं उच्चारण कर सकते क्योंकि वो इतना पापी था उसको राम कहने नहीं आ रहा था उसलिए उसने मरा कहा, जिसका बाद में राम का उच्चारण हुआ वो गुरु के मंत्र पर उच्चारण देने पर होता है। दूसरी बात, अपना शरीर नाभि से लेकर अपने सहस्रार तक जब तक वो नली जागृत नहीं होती वो नली आपकी पुकार देवता तक नहीं पहुंचती। आप चाहे टीवी लो चाहे करंट लो उसके ऊपर कार्बन आ गया तो आपके घर तक और कहाँ पाइलट से करंट आपके घर का बल्ब आएगा नहीं जब तक कार्बन क्लियर करेंगे। उसी प्रकार आपके शरीर में भी तीन नाड़ियां हैं,
जिसको इला कुंडला सुषुम्ना कहा गया है। इन इला कुंडला सुषुम्ना नाड़ियां ये केवल मैंने जैसा भी कहा त्रिपुट जिसे कहा गया है मन बुद्धि और चित्त ये सुषुम्ना की इला सुषुम्ना और कुंडला नाड़ियां हैं। इन तीनों को श्रद्धा विश्वास और अपना समर्पण इन तीनों के साथ जोड़ा जाए तो ये अपने संस्कार को जागृत करके और संस्कार को जागृत होने वाला व्यक्ति तो भी आगे देवता की निष्ठा कर सकता है। आप इसके बारे में छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज रामकृष्ण परमहंस पांचवी कक्षा के पास उत्तीर्ण पास व्यक्तित्व थे। एक बार वे जब वहां से अपने घर से निकले तो उनकी उम्र थी केवल 8 या 9 साल। ये महासती महारानी के पास काली मूर्ति उसके लिए पुजारी नहीं मिल रहा था तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को बुलवाया। जब उनकी 12 या 16 साल की उम्र थी वहां आए तो उन्होंने कहा कि वो अपने माँ गाँव को छोड़कर महाकाली के मंदिर में आएंगे और सती महारानी ने जब देखा तो उनकी माँ ने कहा बेटा महाकाली की मूर्ति को मूर्ति नहीं समझना उसे अपनी माँ समझना। उनकी माँ ने कहा पहली गुरु माँ बनी। उसके बाद वहां जो उनके जो मास्टर थे उन्होंने कहा कि काली को माँ समझना बेटा। बाद में यहाँ सती महारानी आई और उन्होंने कहा जिनका मंदिर था उन्होंने कहा हे महाशय पुजारी जी जो भी आप आए हैं रामकृष्ण इस मूर्ति को मूर्ति नहीं समझना केवल आपकी माँ समझना। और जिस समय रामकृष्ण परमहंस आए उन्होंने उस काली की मूर्ति को माँ समझा। माँ समझा वो पूजा कुछ नहीं करते थे केवल माँ माँ कहते थे माँ माँ कहते थे माँ के चरणों में लौटते थे। भूख के लिए नैवेद्य आया तो माँ के सामने रखा और ग्रास पकड़ कर ऐसा ही माँ के सामने बैठ जाते थे। माँ सती महारानी ने भेजा है तू पहले खा ले बाद में मैं खाऊंगा। ऐसे कितने दिन बीते उन्हें पता नहीं कि वो ग्रास वैसे पकड़ते रखना और वो माँ का नहीं खाना और वो वैसे भूखे रह जाते। उनका कहना था कि माँ को नैवेद्य चढ़ने के बाद ही मैं खाऊंगा। ये उनका श्रद्धा था ये उनका विश्वास था कि ये मूर्ति खाएगी समर्पण था कि ये मूर्ति खाएगी। बहुत दिन हो गए सूख के काटेदार हो गए लेकिन नहीं खाई। एक दिन महारानी ने आकर देखा कि ये रोज क्या करता है ये नैवेद्य जैसा रहता है वैसा आ रहा है। उसने कहा कि एक पुजारी तू क्या कर रहा है। तो बोले माँ को रोज खिलाने के लिए जाता हूँ माँ खाती नहीं तुमने कहा था कि माँ जब तक खाती नहीं तुम्हें नहीं खाना चाहिए मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ 1 महीना हो गया। सती महारानी को बड़ा दर्द हुआ कि मैंने क्या दे दिया इसको और ये खाना नहीं खा रहा है। उसने कहा वैसा नहीं बेटा मूर्ति कैसे खाना खाएगी वो तो माँ है। तो उन्होंने कहा क्या है माँ नहीं है। तो उसने कहा माँ है तो खाएगी जरूर माँ है तो खाना अपने बच्चे को भी खिलाती है मैं उसको खिलाऊंगा और वो मुझे खिलाएगी नहीं तो वो फिर माँ कहाँ है। ऐसे उन्होंने समर्पण भाव से उसको कहा। माँ सती महारानी के कितना समझाने पर भी वो नहीं समझा और कहा रामकृष्ण परमहंस ने कि मैं माता के सामने नैवेद्य रखूंगा वो जिस दिन खाएगी उस दिन वो मुझे भी खिलाएगी क्योंकि वो माँ है। और ये उनका कथन उस दिन सिद्ध हुआ जब वे अपने को मूर्छित अनुभव करने लगे अपने को इतना कमजोर अनुभव करने लगे वो उठ के खाना खिलाने के लायक भी नहीं गए और नीचे गिर गए। तो देखते क्या उस मूर्छित व्यक्तित्व को उस काली की मूर्ति से उन्हीं के प्राणी से लिखते हुए माँ का शब्द माँ जैसा ही उन्होंने पकार मूर्छित गिर गए थे और मूर्ति से माँ आई और उनको उठाया और स्वयं एक ग्लास उनके हाथ से खाई और उन्होंने अपने इसे खिलाया। उस दिन से वो परंपरा चलती गई कि माँ काली उनको खिला दी गई। इसमें क्या है कि हमारी शुद्धता आज हमारे राजीव धवन कह रहे थे कि साधना करने वाले घर में खाना खा लो लेकिन हमारे में कहा गया है कि मंत्र जब ब्रह्म मुहूर्त में हो। ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है कि हम हमारे शरीर को शुद्ध कर लेते हैं हमारे शरीर का मैल बाहर निकाल देते हैं मुंह धो लेते हैं स्नान करते हैं शरीर को शुद्ध करते हैं और तब जाकर हम साधना में बैठ जाते हैं। एक बार चाय पिया या कुछ खाना खाया तो आपके शरीर में मैल आरंभ हो गया पेट में मैल आरंभ हो गया और मैल आरंभ हो गया तो नाभि से आपकी आवाज संस्कार नहीं पहुंचती। इसलिए हमें कोई सी भी साधना ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो तभी ये साधना की जाए। उपवास का कारण भी बता दें आप जो भी खाओ उसका मैल तो पेट में बनेगा जब तक वो मैल बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपका शरीर अशुद्ध नहीं रहा। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का मेन कारण ये था कि तुम्हारे शरीर शुद्धि के अंतर शुद्धि वायु शुद्धि के बाद में तुम साधना करो ताकि तुम आवाज निकालो या तुम्हारे मन की आवाज हो तो तुम एक बार खाना खा लो तो नींद आती है या तो आलस्य आता है हमारे में वो श्रद्धा या चित्त हमारा काम नहीं करता। लेकिन तुम्हारी इला कुंडला सुषुम्ना नाड़ियां जब तक सूखती है उनकी चेतनता वो इतनी गहरी मांस में पकड़ी हुई है नाभि में इतनी जटिलता से बंधी हुई है कि उसका खोलना मुश्किल है। उसको खोलने के लिए
हमें अपनी सरस्वती की कन्या को जागृत करेंगे, जिसका जादू था उसी को। अगर आप शिवलीला में पढ़े हैं, साक्षात माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में पहली बार जब वो अपने पिताजी से मिली, में शिवजी से शादी करूंगी। बहुत सारे लोग आप शिवलीला में पढ़े होंगे, शिवलीला में सुने भी होंगे, माता पार्वती जंगल में गई और वो शिवजी की आराधना करने लगी। पहले समय में दो समय खाना खाती थी, पूजा करती थी, बाद में एक समय खाना खाया, बाद में एक समय का खाना छोड़ दिया, केवल फल खाकर किया, बाद में दूध खाकर साधना संभाली, बाद में दूध छोड़ दिया, पानी पीकर साधना की, और बाद में पानी भी पीना छोड़ दिया, हवा केवल हवा के माध्यम से वो साधना करती रही और शिवजी की साधना। जब माता पार्वती साक्षात जिसका दुर्गा अवतार कहा गया है, शिवजी की प्राप्ति के लिए अपनी शरीर की शुद्धि इस प्रकार करके साधना करती है, तब कहीं शिव प्रत्यक्ष होते हैं, तो हम कहां हमारी कन्या को शरीर शुद्धि के लिए हमारे शरीर के मैल को निकालने के लिए। चाहे आप हिरण्यकश्यपादि रावण आदि लोगों को लो या कोई भी हो, इन लोगों ने तपस्या उस तरह की एक पांव पर खड़े रहे और अपने शरीर को पूर्ण तरीके से सुखा दिया, अपने शरीर का मैल अंदर बाहर से पूर्ण निकाल लिया, तभी तब कहीं उस सिद्धि को प्राप्त कर सके। वो चक्रवर्ती थे, महाराजा हुए, तब उनको शरीर प्राप्त हुए। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत छोटी छोटी है। हम शिवजी को प्राप्त नहीं करना चाहते, हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, हम 1,000 रुपए प्राप्त करना चाहते हैं, हम आज का दिन चला तो बहुत से ऐसा कहना चाहते हैं, हमारे को पुत्र हुआ तो बस ये कहना चाहते हैं, नौकरी मिली तो संतुष्ट होने वाले, और इसके लिए उतनी बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं। जितना आपको चाहिए उतनी साधना, छोटी छोटी साधना से छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए साधनाएं गुरु ने बहुत सी साधनाएं कही गई है। हम जानते हैं कि तुम्हारे में शक्ति हो तो एक घूंसा मारते ही आगे का आदमी गिर जाएगा, लेकिन जब तुम्हारी शक्ति कम पड़ती है तब तुम तलवार लेकर काम जाते हैं, यानी एक यंत्र का एक अस्त्र का होना जरूरी है। जब तुम्हारी मन की शक्ति कम पड़ती है तब तुम्हें एक शुद्ध किया हुआ यंत्र जिसमें से शक्ति प्राप्त हो, ऐसा एक यंत्र जरूरी है, जैसा शस्त्र जरूरी होता है। लेकिन शस्त्र साथ में हो लेकिन तलवार चलाने में आए शक्ति ही नहीं रही तो फिर क्या, तो फिर उसने वो शक्ति प्राप्त करने के लिए फिर गुरु के पास जाना पड़ता है कि मैं तलवार चलाना तो सीखूं, तलवार चलानी है, तलवार है मेरे पास, क्या फायदा, उस पर यंत्र है, अगर मैं उसको यंत्र को सीधे तरीके से उपयोग नहीं करूं तो क्या फायदा। तो उस यंत्र का उपयोग किस तरह हो यह करने के लिए गुरु उसमें मंत्र देकर कहता है कि तू इस मंत्र से इस यंत्र का डेरा बना, इस तलवार को चलाने की सीख। तलवार शस्त्र तो बहुत सारी चीजें हैं, त्रिशूल है, डमरू है, अपने तलवार है और अन्य अस्त्र शस्त्र बहुत सारे, लेकिन हरेक को परशुराम ध्यान ने परशु था उससे ही उन्होंने युद्ध किया, रामचंद्र ने धनुष से युद्ध किया, तो ये अपने अपने उनके शस्त्र है। उसी प्रकार अपने अपने अनुसार अपने यंत्र बने हुए, अपनी शक्ति जब बस भगवान को प्राप्त करने के लिए बस नहीं होती और अपना शरीर पवित्र नहीं होता तब यंत्र पवित्र यंत्र आपके सामने दिया जाता है और जिसमें आप अपनी ही प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है ताकि वो यंत्र आपका बने और आपका किया हुआ मंत्र वो सुने ये यंत्र और वो यंत्र सुनने का उसका फल आपको प्राप्त हो। क्योंकि आपके फल प्राप्ति में आपने दुर्गा देवी को प्रत्यक्ष देखना नहीं चाहा, आपने कहा कि मेरी छोटी इच्छा है मेरे संकट टल जाए, वो तो यंत्र तुम्हारा काम करेगा क्योंकि तुम्हारी पवित्रता नहीं रहने कारण तुम्हें मुझे यंत्र देना पड़ा। और इस संसार में हम देखते हैं कि हमारे कुछ प्रार्थना करना पड़े तो हम दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब हो कोई भी धर्म हो, तो उससे क्या है नीति के अनुसार हम इस संसार से आकाश से आसमान से उस एनर्जी को अपने हाथों द्वारा अंदर लेते हैं उंगलियों द्वारा, और आप उंगलियों द्वारा लेते हैं एनर्जी हमारे में ड्रा करते हैं और एनर्जी पास करते समय हाथ अपने जिसके सर पर रखते हैं तो अपना एनर्जी पास करते हैं। एनर्जी ड्रा करना और एनर्जी पास करना केवल हाथों से होता है और इसी हाथों से हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि परंपरा में कहा गया है तुम एक माला भी जप करते हो तो इन उंगलियों में वो एनर्जी ड्रा होती है उस मंत्र की उस देवता की जिस देवता से तुम प्राप्त करना चाहते हो, और उस यंत्र की एनर्जी इस माला से तुम्हारे हाथ में ड्रा हो गई तो तुम इसी हाथ से जो कुछ भी कार्य करोगे उसको उस देवता की स्थिति में प्राप्त होगी। ये आप हर कोई भी मजहब हो, क्रिश्चियन मजहब हो या मुसलमान हो या हमारे हो, सभी लोग दो ही हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं और उसी हाथ से अपने शरीर को लगाते हैं ताकि वो एनर्जी अपने में आ जाए। तो इन हाथों से जो कार्य किया जाता है ये उंगलियों में अपने प्रकृति से नेचर से शक्ति ड्रा करने की या शक्ति को अपने अंदर लेने की क्षमता है। इसलिए गुरु क्या करता है अपने अंगूठे से, जिसे शुक्र की अंगूठी का अंगूठा कहा गया है, इससे तुम्हारे अंगूठे शक्ति पात का अर्थ होता है मेरी शक्ति तुम्हें देना, मुझमें शक्ति हो तो तुम्हें दूंगा, मेरे पास शक्ति ही नहीं है तो तुम्हें कैसे किस शक्ति प्रदान करूंगा। शक्ति पात का अर्थ होता है मैं शक्ति देते हुए मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारी आंखों में देखूं तो तुम मुझे देखने प्रत्यक्ष का अर्थ होता है, अक्षर का मतलब आंखें, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, भगवान का प्रत्यक्ष होने का अर्थ ये हुआ कि भगवान मैंने भगवान को देखा और भगवान ने मुझे देखा, जिस दिन भगवान ने मुझे देखा उसे प्रत्यक्षीकरण कहा गया। उसी तरह मैं तुम्हें आज दिख रहा हूँ वहां से हैदराबाद से यहाँ आया हूँ, मैं आज तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ तुम मेरी आंखों में देख रहे हैं और मैं कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे
तुम्हारे कानों से सुन रहे हैं वो तुम्हारे बुद्धि में उतार रहे हैं। ये पंच महाभूतों का एक शक्तिपात मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तुम इसलिए दुर्गा की साधना को करो। लेकिन इस पर भी तुम्हारी कुंडली जब जागृत नहीं होती है कहती है कि क्या ऐसा होगा कि संशय में डोलने वाले लोगों को फिर संशयहीन करने के लिए मैं तुम्हारे उस बिंदु को जागृत करता हूँ जहाँ तुम्हारी सुषुम्ना या कुंडला सुषुप्त अवस्था में बैठे हुए संशय में डोल रही है, मन डोल रहा है कह रहा है ऐसा होगा या नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा। यही यह बात रामकृष्ण परमहंस ने नहीं थी, रामकृष्ण परमहंस को एक बार कह दिया था कि तुम्हारी माँ है, उन्होंने एक ही रेट लगा के थी ये माँ है मुझे खिलाएगी मैं उसे खिलाऊंगा। और हमारे में वो शक्ति नहीं, हम वो देखते नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है कि उतना जैसे रामकृष्ण नौकरी पर छोड़ दे और माँ माँ कह के बैठे। तब हमें क्या करना पड़ रहा है, जितना समय मिला उतने ही समय में तुम्हें उस प्रत्यक्षी करने के लिए पूर्व अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करता है ताकि तुम यंत्र के माध्यम से तुम्हारी शक्ति कम पड़े। यंत्र दिया तुम्हारे को माला करने के लिए क्या, तुम्हारी शक्ति ऊर्जा धारण करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे में संशय है तो अपने प्रवचनों से अपने मंत्रों से अपने मुख से तुम्हारे में शक्ति दान करेगा। इस पर भी नहीं हुआ तो शक्ति बात करते हुए कहता है कि तुम तुम्हारे मस्तिष्क में ये बिठाओ कि इस यंत्र में शक्ति है, मैं जो कह रहा हूँ तुम सुनो तुम करो तुम्हें शक्ति मिलेगी। मैं तब उसके कहता हूँ कि आर्य विजय का यंत्र के लिए है तो इतनी विजय का नहीं है, विजय का तो एक ही है, ये तो आपकी साधना के माध्यम से आपके प्राण की प्रतिष्ठा उस यंत्र में हुई, आपने साधना की तो वो यंत्र विजय के नाम से आपको फल देगा, सिद्धि प्रदान करेगा और उसका काम करेगा। टीवी है आपके घर में तो टीवी के चार्ज उसी तरह चलते हैं, आपके घर में टीवी है तो ही आप टीवी देख सकेंगे, आपको टीवी देखने के लिए दूसरे के घर जाना पड़े तो उसी घर में टीवी होना जरूरी ही है। लेकिन टीवी घर में रहने से काम नहीं चलेगा, टीवी किस तरह चलाना है ये भी आना। हमारे को टीवी सुनी है गुजराती में और हिंदी का चैनल चल रहा है, चलो गुजराती चैनल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उस बटन को जानना पड़ता है, उस बटन की जानकारी जो देने वाला है वो गुरु है। इस प्रकार हम जिससे आनंद प्राप्त करें तुम्हारी जो भी इच्छा हो ये दुर्गा के सामने तुम वो इच्छा बोलो और इच्छा पूर्ति के लिए गुरु जो कार्य कर रहा है मंत्र दे रहा है उस इच्छा पूर्ति के लिए तुम अगर करो तो तुम्हारी इच्छा हो गई तो पूर्ण करता है क्योंकि गुरु सामने बैठा हुआ है। तुम वहां जाने के बाद बहुत सारे लोग ये पूछते हैं गुरु जी इस यंत्र पर एक ही इच्छा बोलो या दो इच्छा या तीन इच्छा, तुम जितनी भी इच्छा है बोलो गुरु सामने बैठा हुआ है, तुम यंत्र करो बाद में काम कर रहा है क्योंकि तुम्हारे में मेरे से ज्यादा संशय तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारे में मेरे में जितने संशय आते उससे भी ज्यादा तुम्हारे में आते हैं और मैं जवाब देते देते मैं नहीं थकता पूछते पूछते तुम नहीं थकते और ये दोनों की परंपरा चल रही है। इसीलिए कहते हैं कि शिष्य कब तक रहा, एक बार मैंने तुम्हें उदाहरण दिया था विष्णु कवि नाम के महा रेणुका के पास एक बहुत बहुत महान गुरु होके गए तो उनके पास एक बहुत बुजुर्ग आदमी बहुत बड़ा आदमी आया जो वेद वेदांत का ब्राह्मण था वेद पढ़ा हुआ था उनके पास आया और कहा कि मैं वेद चारों वेदों को पढ़ा हूँ मुझे चारों वेद आते हैं मुझे सब कुछ आता है और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे पास इतने सब लोग आते हैं मेरे पास कोई नहीं आता वेद बनने के बाद भी और तुम्हारे पास ऐसी क्या शक्ति है, मैं वेदों से भी कुछ हटकर शक्ति है क्या तुम्हारे पास ये लोग आते हैं और मैं ये जानने के लिए तुम्हारे पास आया लेकिन मैं तुम्हारे से भी विद्वान तो उसका कहना था मैं तुम्हारे से विद्वान इसलिए तुम्हारे साथ मेरे को बैठने के लिए जगा लू। विष्णु कवि ने कहा मैं जरूर जगा देता हूँ, उन्होंने जगा दी। जगह देने के बाद कहा तुम गुरु कैसे, मैं जो वेद मंत्र पढ़ता हूँ पढ़ सकते हैं, विष्णु कवि ने कहा मुझे वेद नहीं आता तो तुम मैं तुम्हारे से ऊंचा बैठना चाहिए, मैंने कहा गुरु बिल्कुल ऊंचा बैठ सकते हैं बैठो ऊंचा। पर ये बात ऐसी बढ़ती बढ़ती गई कि मैं ही तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ तुम मेरे गुरु नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ या तुम मेरे पास आया, उन्होंने कहा तुम मैं तुम्हारे पास आया आए हैं अब मैंने तुम्हें प्रश्न किया है तुमने मुझे प्रश्न किया है मैंने प्रश्न किया है, तो उन्होंने कहा इस संसार में गुरु शिष्य का संबंध दो ही बातों में मिलता है, जब तक शिष्य प्रश्न करता जो है तब तक वो शिष्य, जब तक प्रश्न करता है वो शिष्य है और जो उत्तर देता है वो गुरु है, इसलिए तुम प्रश्न कर रहे हो उत्तर दे रहा हूँ इसलिए मैं गुरु हूँ तुम शिष्य है, जब तक प्रश्न जिस दिन तुम्हारे प्रश्न मिट जाएंगे उस दिन तुम गुरु बन जाओगे, तुम्हारी संशय हट जाएगी संशय हट जाएगी उस दिन गुरु तुम गुरु बनने के लायक हो क्योंकि ये प्रश्न मिटने वाले हैं ही नहीं तब तक शिष्य ही बने रहोगे, तब तक जब तक विश्वास नहीं करते कि वह इंद्र में देवता है, मैंने विश्वास किया मेरे गुरु में इंद्र है मेरे गुरु है मेरे गुरु मेरा कार्य करते हैं मैं यहाँ यहाँ बैठा हुआ, आप विश्वास करो आपको भी वही कार्य होगा और वो विश्वास के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कार्य करें। यही कारण हो रहा था कि जैसा ही धर्मयुद्ध महाभारत का डिक्लेयर हो गया कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन नहीं माना तो दुर्योधन ने पहले अपने भीष्म पितामह को पूछा कर्ण को द्रोण को सभी आचार्य को पूछा कि बड़े बड़े लोग आएंगे बदल के पार्टी को बदल के पांडवों की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, पहले बुलाया आप शपथ खाओ कि आप पांडवों की तरफ काम नहीं करेंगे,
भीष्म पितामह कह रहे हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं पहले से शपथ खा के कौरवों के इस राज्य की रक्षा करूंगा, ये बात मत करो, मुझे पहले शपथ दिलाओ कि आप मेरे तरफ से युद्ध करेंगे, आप महान सेनाधिपति बनेंगे, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उधर में चले जाए। बाद में उन्होंने भीष्म से, द्रोण से, कर्ण से, जरासंध से, शमीशेषण से, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये सब तो हुआ जरूर है, लेकिन सैन्य उनके तरफ ज्यादा चले गया, तो वैसा बस सभी के पास जाकर कहने लगे तुम अगर पांडव के तरफ गए तो मेरे पास भीष्म है तुम्हारे को मरवा दूंगा, द्रोण या द्रोणाचार्य मेरे पास है तुम्हें मरवा दूंगा। ऐसा कहते हुए सभी राज्यों में जाकर दुर्योधन ने सभी राज्यों को अपने तरफ, तुम पांडव के तरफ नहीं आना, मेरे तरफ आना, ये बात सब हो गई। अब बचे कौन, अकेले कृष्ण, कृष्ण की मथुरा राजधानी जाए और उनको लेके आए। कृष्ण तो माया ही थे, ही पता था उनको क्या होने वाला है, दुर्योधन भी आए और अर्जुन भी आए। तब तक अर्जुन को और पांडव को पता चल गया कि सारे लोगों को बहका कर दुर्योधन ने अपने तरफ ले लिया है, सारे राज्यों के लोग दुर्योधन की तरफ काम करने वाले हैं, क्योंकि भीष्म द्रोण आदि से अगर उनके कोर का भरण कौन बने, उनको क्रोध आया तो हम सभी को जला देंगे, सब लोग हम कौरवों के तरफ दुर्योधन की तरफ काम करेंगे। वो तो उधर गए। जब ये बात हुई तो धर्मराज ने कहा अपने रक्षक एक ही है, उस भगवान श्री कृष्ण के पास जा अर्जुन, वो तेरी बात सुनते हैं, तू जाके पूछ। तो अर्जुन जैसा पूछने के लिए जाने लगा तो ये बात शकुनी को मालूम हुई, माँ को, अरे अरे कृष्ण के पास अर्जुन जा रहा है, तू भी जा, दुर्योधन को भेज दिया। दुर्योधन गया लेकिन दुर्योधन में अहंकार था, वो पहले चरणों की तरफ बैठा हुआ था, कृष्ण सोए हुए थे तो चरणों की तरफ बैठा, उसको लगा ये यदपुर का कृष्ण है, ये इसके पांव की तरफ बैठना, मैं महाराजा दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा, चल सर की तरफ बैठता हूँ, बोले जाके सर की तरफ बैठे। कृष्ण के तरफ अर्जुन आए और बोले मेरा स्थान तो तुम्हारे चरणों में है, मैं तुम्हारे चरणों की तरफ बैठता हूँ, बैठ गए। कृष्ण माया भी थे, अब हम सोए हैं ऐसे हो तो उठते ही पांव की तरफ का आदमी दिखेगा, पीछे तो नहीं देखते। कृष्ण ने उठा, जैसे ही नींद से उठे देखे तो अर्जुन ने कहा क्या अर्जुन बड़े कबा है, तो अर्जुन बोले प्रभु आप सोए थे मैं आया, तो ये जब दुर्योधन बैठा था अपने बोला दुर्योधन दोष से उनका दिया, तो अरे 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 दुर्योधन आप कब आए, तो बोले मैं अर्जुन से पहले आया और आप अर्जुन से पहले कृष्ण कर रहे हैं। अरे दुर्योधन भैया तुम कैसे जानते हो, वो इधर पैरों की तरफ रखा दृष्टि तो सब रखा कि पीछे तो नहीं दिखता आदमी, सामने देखता, मैंने सामने देखकर उसके साथ बात किया, इसमें क्या बात हुई, तो मैं पहले आया इसलिए आप मुझे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, बाद में अर्जुन को पूछना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि पहले तो मैंने अर्जुन को देखा, अर्जुन को पहले प्रश्न पूछना चाहिए, फिर भी तुम बात कहते हो तो तुम्हें पहले प्रश्न पूछता हूँ क्या। तो कहा कि तुम्हारे राज्य में चार अक्षौहिणी सैन्य है, वो सैन्य धर्मयुद्ध जो हो रहा है उसमें चार अक्षौहिणी सैन्य के साथ आप मेरे साथ काम करेंगे, देखो तुम भी उतने ही सगे संबंधी हो और अर्जुन भी उतना ही सगे संबंधी है, मैं तुम्हारे घरों को नाराज नहीं करना चाहता, दो बातों में एक बात करता हूँ, तुम चार अक्षौहिणी सैन्य कोई अकेला ले लो और मैं अकेला आऊंगा, लेकिन निहत्ता हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पहनूंगा और युद्ध में मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा बिना अस्त्र शस्त्र के साथ आऊंगा, मैं निहत्ता कृष्ण चाहिए या चार अक्षौहिणी सैन्य चाहिए। दुर्योधन को लगा कि मेरे पास तो पूरे राज्यों को तो राजाओं को तो पहले ही ले लिया हूँ, सभी को ले लिया हूँ, ये चार अक्षौहिणी सैन्य को भी ले लिया, निहत्ता कृष्ण लेकर क्या करूंगा मैं, बोले निहत्ते कृष्ण को छोड़ दो आज, आप नहीं, आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस चार अक्षौहिणी सैन्य चाहिए। कृष्ण का अर्थास्तु, अर्जुन ने कहा प्रभु आप अकेले मेरे साथ हैं तो बस हैं, और उन्होंने कृष्ण का साथ दिया और ये महायुद्ध करते समय विजय दुर्गा की साधना युधिष्ठिर को बोलकर अर्जुन को बोलकर कृष्ण ने करवाई और कहा विजय हमारी संभव है, इसीलिए गीता में कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धरुर्धराता तस्मिन् विजयोभूतिः ध्रुवाणि मुद्रितम्। विजय दुर्गा कहते हैं कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए हो और जिसने विजय दुर्गा की साधना की हो उसको विजय तथ्य है, ये बात कहते हुए विजय दुर्गा की साधना गीता का वह श्लोक आखिरी श्लोक कहा गया है, और जो ये साधना संपन्न करता है उस विजय को प्राप्त करने वाली वह साधना भगवान श्री कृष्ण ने उस समय की थी, उस समय कहा था और यह साधना संपन्न करवाई थी। आज आपके प्राणों की ही प्रतिष्ठा उस विजय दुर्गा यंत्र में करते जा रहा हूँ और उसकी पूजा होगी, उसके बाद आप एक माला से लेकर जितना कह सके मैं सभी को भी पूर्ण पूजा होने के बाद आधे घंटे का समय देता हूँ, आधे घंटे में आप के साथ जितना मंत्र जप हुआ उतना मंत्र, उसके बाद आपको उसकी दशांश आहुति हवन डलवाऊंगा, उसके बाद आपको इस विजय दुर्गा की स्थापना आपके दिल में और आपके यंत्र में करूंगा, और ये यंत्र जब आपके साथ में घर ले जाएंगे तो आप स्वयं एक वर्ष तक अनुभव करेंगे कि आपके घर में आपके सारे संकटों को निवारण करने वाली दुर्गा की स्थापना आपके घर में, आपके मन में, आपके प्राणों में हुई है, ये अनुभव करें। ये अनुभव करने के लिए आप ये स्थापना कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं इस मंत्र का साधना का आरंभ करूं एक बार गुरुदेव का जय घोष करेंगे, बोलो परमपूज्य शंकरदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुदेव की, सर्व सिद्धा
सर्वगी और सिद्धार्थ सागर परिवार की बोलो हर हर महादेव। आप गुजरात के लोग नवरात्र में दुर्गा माता के भक्त गरबा करते हैं और जिस गरबा को स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी गोपिकाओं के साथ जिस रास को रचाया था वह भी वही नवरात्रि थी और उस रास को आज भी गुजरात के लोग भी शायद द्वारका के लोग भी संभालते हैं। यह विजय दुर्गा यंत्र आपको उसी कृष्ण को जिस गोपिकाओं के साथ आनंद दिया था वैसा ही अंत प्रदान करे ऐसी इच्छा करता हुआ जिसके घर में यह दुर्गा है विजय दुर्गा का यंत्र स्थापना उसके घर में यही आनंद प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद देता हुआ आगे का साधना का साधना की पूजा विधान और प्राण प्रतिष्ठा उदय महाराज जैसा बदलाव करेंगे मंत्र मैं मेरी ओर से दूंगा उदय महाराज पूजा समझाएंगे उस तरह पूजा करना जैसा भी कहते हैं महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी आपके नाम गोत्र के उच्चारण के साथ और विनियोग के साथ विनियोग में उसमें लिखा हुआ है।